हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बेबी सनरोज के बारे में बताऊंगी। ये बास्केट में के लिए तो बहुत ही सुंदर प्लांट्स है, ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें ये छोटे छोटे फूल आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, रेड कलर के, पिंक कलर के, बहुत सुंदर लगते हैं। ये लटकी हुई बास्केट तो बहुत ही सुंदर लगती है, जब ये एकदम हवा से हिलती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। इसे आप भले गमले में लगाओ, ये इस तरीके से, ये भी कितना सुंदर क्यूट लग रहा है। ये छोटा सा पॉट है, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी चल जाती है, यहाँ से तोड़ के और नीचे के दो तीन पत्ते हटा के लगा दो, वो कभी भी लगाओ, ये पूरे साल इसकी कटिंग चलती है। ये देखिए कितने सुंदर लगते हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं इन प्लांटर में बेबी सनरोज। जब इसमें छोटे छोटे फूल आएंगे ना, ज़्यादा धूप होएगी फिर फूल आएंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे। बॉटल्स में भी बहुत अच्छे से चलते हैं। अब बॉटल्स में कितनी लंबी डंडी हो गई है इसकी, इतनी। ये यहाँ छोटे से छोटे प्लांटर में भी आराम से चल जाते हैं। और ग्रीनरी करने के लिए अगर कोई दीवार को ढकना हो ना, पूरी ग्रीन करना हो, तो ये लाइन से लगा दो, पूरी दीवार ऐसे ग्रीन हो जाएगी, पूरी क्यारी में से इस टाइप से पूरी लटक के एकदम नीचे से आ जाए, नीचे तक आ जाएगी। ये वाले प्लांटर कितने छोटे से हैं तो भी इनमें अच्छे से लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये लटकते हुए। ये सकुलेंट वैरायटी में आता है, इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, जब इसकी मिट्टी सूख जाए ना तभी पानी देना चाहिए, क्योंकि इनके पत्तों में और इनमें पानी ऑलरेडी ये सेव करके रखते हैं, तो दो दिन पानी नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। इसमें मिट्टी सूख जाए उसी के बाद इसको पानी देना चाहिए। इनकी बात करें तो बेबी सनरोज, इसको दो तीन घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए, सवेरे की, मई जून में दो तीन घंटे की चाहिए, बाकी सर्दी में तो पूरे दिन भी लगेगी तो भी कोई बात नहीं, पर दो तीन घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। ये अंदर रखेंगे तो नहीं चलेगा। और मिट्टी की बात करें तो वही एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा कोकोपीट। कंपोस्ट में कुछ भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या घर की बनी खाद। गर्मी में मैं गोबर की खाद नहीं डालती हूँ दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर बास्केट के लिए बहुत ही सुंदर प्लांट्स है, और आप भी कहीं से कटिंग ला के लगे और ढेरों में फ्री के पौधे तैयार कर लीजिए, इतनी सारी बास्केट तैयार कर लीजिए बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों